बात करते हैं वैशाली की, जहां जदयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा टेंट व डीजे व्यवसायी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की। टेंट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या उसके भतीजे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कर दी थी, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने परिवार को संतावना देने के बाद कहा कि घटना में शामिल सभी लोगों को सख्त सजा होगी, वहीं पीड़ित को आर्थिक मदद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और घर का कमाने वाला सदस्य चला गया है, इसलिए जो कुछ भी बन सकेगा वह इस परिवार के लिए जरूर करेंगे। इस परिवार पर तो विपत्ति आई है, बहुत ही दुखद है, परिवार बिल्कुल बेसहारा हो गया है। जो घटना हुई उस घटना में जो भी दोषी है उसको तो सख्त से सख्त सजा मिले, इस दृष्टि से निश्चित रूप से जो कुछ भी बनेगा प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी करेंगे। और परिवार के लोगों को थोड़ी सहायता मिल पाए, कैसे मिल पाएगी सहायता, क्योंकि घर में विधवाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है एक तरह से, तो उसके लिए भी निश्चित रूप से जो कुछ भी बनेगा हम लोग हर